बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में तीन गवाहों के हुए बयान दर्ज, 18 और 19 मई को अगली सुनवाई, सभी आरोपी कोर्ट में हुए पेश। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने किया सूबे में 309 व्यायामशालों का उद्घाटन, अपने जन्मदिन पर बरवाला से एक साथ किया उद्घाटन। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में भड़के राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज, शिकायतकर्ता पर भड़क कर बैठक से निकाला बाहर। हरियाणा के अंबाला कैंट की तहसील एक बार फिर सुर्खियों में, स्वास्थ्य मंत्री विज ने खुद किया खुलासा, नियमों को ताक पर रख हुई 150 फर्जी रजिस्ट्रियां, एसडीएम को दिए जांच के आदेश। भिवानी में किसानों ने एनएच पर किया चक्का जाम, सरसों की खरीद न होने से किसान परेशान, किसान ने अधिकारियों पर लगाया धांधली का आरोप। जर्जर में किसान को नहीं मिला फसल का खरीदार, आरतियों ने लगाई टमाटर की बोली, समस्या को लेकर किसान सदक पहुंचे। जर्जर में किसान को नहीं मिला फसल का खरीदार, आरतियों ने नहीं लगाई टमाटर की बोली, समस्या को लेकर किसान सदन पहुंचे किसान। जुलाना में स्कूल बसों की आरटीयू और शिक्षा विभाग ने की जांच, स्कूली बसों में मिली खामियां, स्कूलों को जारी किया गया नोटिस। सरकार जगह जगह करवा रही शौचालयों का निर्माण, खुले में शौच जाने से फैलती है बीमारी, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। रेवाड़ी में 15 साल की बच्ची से नाना करता था दुष्कर्म, नाना अपने दोस्त से भी करवाता था बच्ची के साथ गलत काम, 5 सालों से हो रही थी बच्ची के साथ दरिंदगी। और चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान, 8 और 9 मई को होगी बारिश, लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत।